हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर कैसे पब्लिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले कंसोल को ओपन कर लेना है। आपके पास एक प्ले कंसोल होना चाहिए प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन। तो इसका हम जो मेनली अगर इसे परचेस करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आपका $25 पे करना होता है। तो आपको इंटरनेशनल कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करना होता है प्ले कंसोल के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे क्रिएट ऐप पे क्लिक करने के बाद बाकी सारा जो इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम है, सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे इंटर करना होगा। तो यहाँ से एप्लीकेशन का नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ वो कॉपी कर लेंगे। और यहाँ से कॉपी हो जाने के बाद वहाँ पे हमें इसे पेस्ट कर देंगे। और इसके वजह से जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है यहाँ पे ENG भी है, इसको हम कर देंगे जस्ट ENUS, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो एप्लीकेशन है मेनली ऐप है, अगर गेम रहेगा आपका तो गेम पे टिक कर देना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ्री चूज कर लेना है, अगर आपका एप्लीकेशन पेड है तो आपको पेड चूज करना है। इसके बाद से नीचे जो डिक्लेरेशन का पार्ट है यहाँ पे तीनों पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे न्यू अपडेट आया हुआ कुछ, तो यहाँ पे अभी हम आपको बताएंगे न्यू अपडेट क्या आया हुआ है। अभी एप्लीकेशन हमारा जब यहाँ पे अपडेट अभी आएगा तो हम आपको उसमें बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी मंथ कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है, अपडेट आता रहता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको सबमिट किया और उसके बाद से हमारा फिर से जो इसका डैशबोर्ड है यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाना है। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट टेस्टिंग नाउ। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप एप्लीकेशन को जो है टेस्टिंग करना चाहते हैं तो ही आपको उसको टच करना है, अदरवाइज उसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हम सिंपली आ जाएंगे सेटअप योर ऐप पर, और सेटअप योर ऐप पे आने के बाद यहाँ पे जो बाकी सारा इन्फॉर्मेशन उसको हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे ऐप एक्सेस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऐप एक्सेस है, जस्ट यहाँ पे ऑल फंक्शनैलिटी इज पे टिक कर देना, जस्ट क्लिक ऑन सेव और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे नीचे आएंगे, जस्ट ऐड पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपके एप्लीकेशन में ऐड है या नहीं, तो आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेना। तो मेरे एप्लीकेशन में ऐड है इसलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे, जस्ट क्लिक ऑन सेव और यहाँ पे फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड पे जस्ट क्लिक कर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कंटेंट रेटिंग का। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स को हमें बारी बारी से फिलअप करना है, ओके। तो यहाँ पे हम कंटेंट रेटिंग पे जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं, इसके बाद स्टार्ट क्वेश्चन ईयर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी है कंटेंट रेटिंग में, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन जब पब्लिश हो जाएगा, पब्लिश होने के बाद आप किस मेल आईडी पे इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं वही मेल आईडी आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। तो इस मेल आईडी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे इसको जस्ट पेस्ट कर देंगे। इसके बाद से हमारा जो एप्लीकेशन है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी को यहाँ पे चूज कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी आपको चूज कर लेना है, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को फिलअप करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कोई वॉयलेशन नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन नो। अप्रॉक्सीमेट सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है यहाँ पे नो ही करना है, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इसका जो आंसर है आप करिए। तो मैंने इसका सारे क्वेश्चंस का जो हमारा आंसर था यहाँ से मैंने नो कर दिया है। और उसके बाद से यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन सेव। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाता है तो यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन है यहाँ पे इनेबल नहीं होता है, यहाँ पे आप फिर से चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये वाला जो स्टेप्स हैं यहाँ में हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो स्टेप्स हैं कंप्लीट हो चुका है और होने के बाद फिर से हमें यहाँ पे डैशबोर्ड पे जस्ट क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हम जाएंगे तो डैशबोर्ड हमारा ओपन हो रहा है फिर से। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है तीन पार्ट कंप्लीट हो गया। जस्ट क्लिक ऑन टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे कितने कितने जो ऑडियंस है उसको आप टारगेट करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑडियंस को चूज़ करना है। तो यहाँ पे 13-15, 16-17, 18 ओवर यहाँ पे मैंने टारगेट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है, 13 से अगर कम एज का रहेगा तो उसमें आपको प्राइवेसी पॉलिसी मस्ट है, यहाँ पे आपको ऐड करना ही होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो अपील टू चिल्ड्रेन के आपका एप्लीकेशन है चिल्ड्रेन को अपील कर रहा है, तो यहाँ पे आपको नीचे नो पे टिक कर देना है और यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम नो पे नीचे क्लिक कर दिए और इसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे जस्ट क्लिक कर देंगे, क्लिक ऑन सेव और यहाँ से हमारा जो इन्फॉर्मेशन है सब सेव हो जाएगा।
उसके बाद फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन न्यूज ऐप। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है न्यूज ऐप से रिलेटेड कि अगर आपका एप्लीकेशन न्यूज ऐप है या नहीं। अगर आपका एप्लीकेशन न्यूज ऐप है तो सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको फिलअप करना होता है। मेनली यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कि या जो आपका न्यूज है वो आपका ही है या फिर कोई फेक न्यूज तो नहीं है, वही सब सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट फिलअप करना होता है। मेरा एप्लीकेशन फ़िलहाल वॉलपेपर का है तो मैंने नो पे टिक किया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं COVID-19 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एंड स्टेटस एप्स, यही है न्यू अपडेट जो कि आया हुआ है तो प्ले कंसोल में। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन COVID-19 से कॉन्टेक्ट ट्रेस कर रहा है या फिर उस टाइप का कोई ऐप है या नहीं, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो फिलहाल हम नीचे वाले पर टिक कर देंगे क्योंकि मेरा ऐप जो है यहाँ पे COVID-19 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे लर्न मोर पे जस्ट क्लिक कर देंगे तो इसका पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आप इसको रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस सबको आप रीड कर सकते हैं। तो बस यही है, इसका कुछ रूल्स है, कुछ पॉलिसी है इसकी, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। एवरी मंथ कुछ ना कुछ हमेशा चेंजिंग होती रहती है, तो इसमें आपको परेशान होने ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से बेसिकली सारी चीज़ें रीड करके आप फॉलो कीजिए स्टेप्स को, तो सब कुछ कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन बैक, यहाँ पर हम नीचे वाले पर टिक कर किए हैं और यहाँ पर सेव पर जस्ट क्लिक कर देते हैं। तो ये वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। जस्ट फिर से आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। यहाँ पे दो स्टेप्स और हैं, कैटेगरी यहाँ पे चूज करना है हमें। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है तो जस्ट मेरा ऐप है और यहाँ पे कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है एप्लीकेशन, ये कैटेगरी यहाँ पे हमें ऐड करना होता है। तो मेरा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे पर्सनलाइजेशन से, यानी कि वॉलपेपर का ऐप है, तो आपका कोई भी ऐप हो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेना है। और यहाँ पे जो टैग है तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे जो टैग यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ से हमने इसको सर्च किया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस टैग को, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है तो आपको अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर देना है। तो इस ईमेल एड्रेस को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेबसाइट है तो वेबसाइट, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं, अभी ऑप्शनल है। तो हम यहाँ से फ़िलहाल अपना वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे जस्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नीचे है सेव का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। तो यही वेबसाइट था जो कि वेबसाइट का URL मैंने इंटर किया है। आप इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ से सेव कर देते हैं। स्टोर लिस्टिंग का पार्ट अब हमारा आएगा। यहाँ पे बैक जाएंगे, डैशबोर्ड पर जस्ट क्लिक किया फिर से और यहाँ से हमारा जो स्टोर लिस्टिंग का पार्ट है यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो हम जाएंगे नीचे और यहाँ पे सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, यानी कि सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो सबसे पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन शॉट और यहाँ पे ऐप का लोगो, ये सारी चीज़ें इसमें फिलअप करना होता है। तो ये हमारा जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है मैंने ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन के लिखा हुआ है, आपको भी यही काम कर लेना है। पहले आपको अपने एप्लीकेशन के लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेना है। तो बेसिकली इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका कोई भी कंटेंट हो वो कॉपी नहीं हो, बल्कि सारी कंटेंट आप खुद से लिखिए तो बेटर रहेगा। आप किसी का भी जो भी कंटेंट है आपको कॉपी नहीं करना है, या फिर अगर आप इसमें ज़्यादा कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आप खुद से लिखिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे एक या दो लाइन ही बस रखिए फुल डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो बेटर रहेगा आपके लिए। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो एक से दो लाइन ही बस यहाँ पे जो फुल डिस्क्रिप्शन है बस उतना ही रखिए, ज़्यादा मत रखिए। और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ऐप का लोगो यानी ऐप का आइकन यहाँ पे हमें ऐड करना है। जस्ट क्लिक ऑन अपलोड, इसकी जो साइज़ है 512x512 ही होनी चाहिए, उससे कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा लोगो है, लोगो मैंने इस डायरेक्शन में यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टरी है इस पे मैंने रखा हुआ है, जस्ट पेस्ट कर देते हैं। और इसका लोकेशन यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत रहेगा लोगो में तो यहाँ पे एरर शो के आ जाता है। और यहाँ पे हमारा जो एक इमेज है बैनर इमेज, तो बैनर इमेज यही होता है मेनली। इसकी जो साइज़ है, साइज़ भी यहाँ पे लिखी हुई है, आपको उतना ही साइज़ का जो इमेज है आपको बनाना है। अगर उससे कम या ज़्यादा होगा तो इसमें अपलोड नहीं हो पाएगा। अगर साइज़ आपका कम या ज़्यादा है
तो आप यहाँ पे मेनली जो पेंट का ऐप होता है, पेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है आपके एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में, उससे आप रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे अपलोड वाले में स्क्रीनशॉट, जो आपका अभी आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जितने भी स्क्रीनशॉट हैं यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट मेनली यहाँ पे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम आपको 8 यहाँ पे इंटर कर सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट को। तो यहाँ से मैंने ऐड कर लिया, कहीं पे भी अगर इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी सेव हो चुकी हैं यहाँ पे। तो एवरी पार्ट हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, सबसे लास्ट में आपको आना है और यहाँ पे है पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले, इस पर आपको नीचे क्लिक करना है, सेलेक्ट कंट्री एंड रीजन, जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको कंट्री चूज करना है, जस्ट क्लिक ऑन ऐड कंट्री, यहाँ पे आपको सारी कंट्री को चेक कर देना है, क्लिक ऑन ऐड। और इस तरह से आपका जो कंट्री है यहाँ से अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं 177 कंट्री में अवेलेबल रहेगा आपका एप्लीकेशन जब लाइव हो जाएगा। तो इसके बाद आपको फिर से लास्ट में आ जाना है, क्रिएट न्यू रिलीज पे जस्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको साइंड एपीके या साइंड बंडल जो होता है यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइंड बिल्ड बंडल या फिर साइंड एपीके मैंने यहाँ पे जनरेट करके रखा हुआ है। तो साइंड बिल्ड बंडल या फिर साइंड एपीके कैसे जनरेट करते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को देख करके भी आप यहां से अपने एप्लीकेशन में साइन बंडल या बिल एपीके जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने .aab फाइल यानी कि बिल्ड फाइल, यहां पे साइंड बिल्ड फाइल यहां पे मैंने जनरेट किया हुआ है, जस्ट इसको हम अपलोड कर लेंगे। तो मेरा ऐप बंडल है यहां से अपलोड हो गया, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां से अभी अपलोड हो रहा है, उसके बाद से रिलीज नोट। तो इसमें आपको रिलीज नोट में लिखना है कि आपके जो एप्लीकेशन में क्या क्या है, बेसिकली यहां पे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसी को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा रिलीज मोड है, स्टार्टिंग मोड, तो यहाँ पे हम इसको जस्ट पेस्ट कर देते हैं। अगर हम इसको अपडेट करते हैं तो अपडेट में आपने जो कुछ चेंजिंग किया है आप बेसिकली उसमें लिख सकते हैं नीचे। तो अभी मेरा यहाँ से अपलोडिंग हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं रिलीज नोट, रिलीज नेम यानी कि जो वर्जन है वर्जन ऑटोमेटिक आ जाएगा जब ये एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन अपलोड हो गया और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है उसका डिटेल्स। और यहाँ पे रिलीज नोट यानी जो वर्जन है वर्जन यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है एंड जस्ट क्लिक और रिलीज, यहाँ पे रिव्यू रिलीज पे जस्ट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे रिव्यू करेगा आपके एप्लीकेशन में, अगर कोई दिक्कत रहेगी तो यहाँ पे एरर या एरर शो हो जाएगा। उसके बाद से रोल आउट पे जस्ट क्लिक कर देंगे और हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे रोल आउट सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन को हमने प्ले स्टोर पर डाल दिया है। और इसको लाइव होने में अप्रॉक्सीमेट 3 to 5 days लग सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आपको पॉलिसी, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप ऐड करना चाहते हैं सबसे लास्ट में आएंगे पॉलिसी में, यहाँ पे ऐप कंटेंट में आएंगे और यहाँ पे ऊपर वाले पे जैसे क्लिक करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी का एक URL यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप ऐड करना चाहते हैं एप्लीकेशन में तो सिंपली आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने प्राइवेसी पॉलिसी को जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इसके URL को। तो प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करना है एप्लीकेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हमारा प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऑल ऐप पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जितने भी ऐप आप यहाँ से पब्लिश किए रहेंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रोडक्शन मोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं इन रिव्यू में चला गया है एप्लीकेशन और इसको लाइव होने में अप्रॉक्सीमेट मेरा 2 से 3 दिन भी लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको पहली बार एप्लीकेशन को पब्लिश करेंगे यानी कि अगर आपने पहली बार ऐप डाल रहे हैं अपने प्ले स्टोर में तो यहाँ पे टोटल 15 days भी लग सकता है और मिनिमम आपका 3 दिन या फिर 4 दिन भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश कर लेंगे और इसका जो न्यू अपडेट है न्यू फीचर्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। होप सो कि आपको सारे स्टेप्स क्लियर समझ में आ गए होंगे, अगर कोई दिक्कत रहता है तो आप वीडियो को फिर से पॉज करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।